अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। हमारे इस शो के स्पॉन्सर है निशा हर्बल्स, क्वालिटी हर्बल सोप, भाईजान स्पाइस, भिवंडी का फूड अड्डा और ओशन बाजार, ऑल किचन वेयर एंड कॉस्मेटिक्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक खास शो। आज हमारे साथ में एक बहुत ही खास मेहमान है जो कि पहले भी हमारे साथ में आ चुके हैं और उन्होंने बहुत ही एक सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर बात किया था और आज हम उन्हें वापस यहाँ पे लेके आए हमारे चैनल पे ताकि और ऐसे ही सेंसिटिव मुद्दे पे, ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए, लोगों को एजुकेट करने के लिए। तो हमारे साथ में है डॉक्टर नूर खान, भिवंडी के मशहूर सेक्स एक्सपर्ट और सेक्स काउंसिलर भी बोल सकते हैं और माइंड थेरेपिस्ट भी है। इनकी सर्विसेज आपने देखा होगा भिवंडी और बॉम्बे में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोसेक्सुअलिटी। तो होमोसेक्सुअलिटी हम देखेंगे कि ये किस तरह की हैबिट है। हम डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी है तो ये एक डेवलप हैबिट है, जैसे कि लोगों को सिगरेट पीने की आदत लग जाती है, गुटखा खाने की आदत लग जाती है, तो ये वैसे ही इसकी आदत लग जाती है होमोसेक्सुअलिटी की, या फिर कुछ और है? ये तो आप, ये तो आप इससे पहले आप ये बता दीजिए कि एक्चुअली होमोसेक्सुअलिटी क्या है, पहले आप ये बता दीजिए हमें। आपने कहा कि पहले ये बता दीजिए कि ये होमोसेक्सुअलिटी क्या है। जी जी जी। तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि हेट्रोसेक्सुअलिटी क्या है। जब हम हेट्रोसेक्सुअलिटी जब आप जानेंगे तो होमोसेक्सुअलिटी जानने में बहुत आसानी होगी। अच्छा, हेट्रोसेक्सुअलिटी वो है जो एक अपोजिट जेंडर से, यानी कि वो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली अट्रैक्ट होता है। जी, ये हो गया हेट्रोसेक्सुअलिटी। इसका अपोजिट है होमोसेक्सुअलिटी। ओके, होमोसेक्सुअलिटी से हिंदी में समलैंगिकता भी कहते हैं और ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये, और इसके अलग अलग प्रकार है, इसके अलग अलग टाइप्स है। ये एक्चुअली पांच टाइप है, पांच कैटेगरी बोल सकते हैं, इसके अंदर पांच कैटेगरी है, लेकिन पांच कैटेगरी में जो चार कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे आसान जबान में कहेंगे तो हम LGBT कहते हैं। LGBT L से होता है लेस्बियन, B से होता है बाइसेक्सुअल, जी से होता है गे, टी से होता है ट्रांसजेंडर। इसमें एक और क्लास है जिसे, जो बहुत कॉमन नहीं है, ये बहुत फेमस है, जो चार है LGBT से, इसके बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं। इसमें एक है इंटरसेक्स, इसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगा। पहले हम ये जो कैटेगरीज है होमोसेक्स की, जो कैटेगरीज है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। लेस्बियन, लेस्बियन किसे कहते हैं? लेस्बियन उसे कहते हैं कि एक फीमेल है जो अपने सेम जेंडर के साथ में वो मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है, यानी फीमेल फीमेल। जी। और जो गे है, गे के अंदर क्या होता है कि मेल मेल से अट्रैक्ट होता है सेक्सुअली, फिजिकली और मेंटली, इमोशनली। बायसेक्सुअल में ये होता है कि अगर एक मेल है वो मेल फीमेल से भी अट्रैक्ट होता है और मेल से भी अट्रैक्ट होता है, यानी दोनों के साथ अट्रैक्ट होता है, दोनों के साथ सेक्सुअली भी रहता है वो। जी। और इसमें फीमेल भी रहती है, फीमेल भी बाइसेक्सुअल होती है, फीमेल अट्रैक्ट होती है मेल से भी और फीमेल से भी सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। ये कैटेगरी हो गई। अब आता है ट्रांसजेंडर। जी। ट्रांसजेंडर जैसे कि उसको हम बोलेंगे हिंदी में किन्नर। अच्छा, आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे या ट्रेन में ताली वगैरह बजा के जो किन्नर बोलते हैं, उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अभी ये तो बात हो गई कि होमोसेक्सुअलिटी की, तो इसमें हम ये जानना चाहेंगे कि जो आजकल जो गे जो होते या तो फिर लेस्बियन जो होते, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट होते, तो ये नेचुरली है कि ये एक डेवलप हैबिट, जैसे मैंने पहले पूछा था कि जैसे कि सिगरेट की लत लग गई, गुटखे की लत लग गई थी, अल्कोहल की लत लग गई थी, उसी तरह से ये कि होमोसेक्स की लत लग गई, ये ऐसा है या तो फिर एक ये नेचुरल हैबिट है कि इंटरनल फीलिंग होती है, ऐसा कैसे? फिरोज जी, इसके बारे में लंबी लंबी थ्योरी है, अलग अलग किताबें इसके ऊपर लिखी है, आप अगर नेट पे भी सर्च करोगे तो अलग अलग रिसर्चर्स लोगों ने अलग अलग बातें की है इसके ऊपर, बहुत सारे साइकेट्रिस्ट हैं उन्होंने भी अलग अलग बातें की है उसके ऊपर, सबकी थ्योरी अलग है, लेकिन सबकी थ्योरी अगर मैं मिला के बोलूँ तो इसमें चार कॉमन चीज़ें हैं। एक हो गया सोशल कॉज, एक हो गया इन्वायरमेंटल कॉज और एक हो गया हार्मोनल कॉज। ये चार चीज़ें कॉमन है जिसके वजह से एक आदमी होमोसेक्सुअल होता है। अच्छा, तो इसमें
हम ये बात पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, फॉर एग्जांपल गे में अगर हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई एक्टिव है तो क्या उसको मेडिकली कुछ इसमें हार्म है, कुछ उसको तकलीफ होती है या कोई उसके साइड इफेक्ट्स है? नहीं, इसमें उनको कुछ मेडिकली कोई हार्मनेस नहीं आता है। दे एक्चुअली वो तो इंजॉय करते हैं उसको, क्योंकि वो बने हैं उस तरीके से, वो चाहे कॉज कुछ भी, चाहे वो सोशल हो, इन्वायरमेंटल हो, बायोलॉजिकल हो या हार्मोनल हो, उसको तो वो इंजॉय करते हैं। उसके अंदर उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ऐसा, मेडिकली तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग इसके अंदर ओपन भी होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं गे हूँ, दे एक्सेप्ट, और यहाँ तक कि उनके माता पिता भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी, जैसे कुछ जो लेस्बियन है या फिर जो गे है, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो अपनी लाइफ नॉर्मल अपने हिसाब से जीते हैं, नॉर्मल काम करते हैं। मैंने तो ये देखने में तो ये आया है कि जो होमोसेक्सुअल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहते हैं, एंड अगर वो बहुत हम्बल भी रहते हैं। मेरे पास तो जो केसेस आते हैं मैं देखता हूँ, वो बहुत क्रिएटिव और बहुत हम्बल रहते हैं। आते कम है पेशेंट मेरे पास, लेकिन ये जो पेशेंट आते हैं वो एक्सीडेंट ही आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा एक पूछना ये भी है कि कोई अगर जैसे गे एक्टिव है तो उसको उसकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है क्या? मतलब वो उसको कुछ और जैसे कि नामर्दगी वगैरह जो है, ऐसा कुछ उसको प्रॉब्लम आता है क्या? फिरोज जी, आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा किया। ये मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शक को ये बात मालूम पड़े कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जी। ये जैसे कि आपने बोला शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, जैसे कि मैंने बताया कि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है और ये ओपन अप भी नहीं होते हैं और ये किसी को बोल भी नहीं पाते, यहाँ तक कि माता पिता को भी नहीं बोलते। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि वो डिले करते चले जाते हैं, शादी को डिले करते जाते हैं। मैं बताऊंगा कि ये किस तरह से मेरे पास इस तरीके केस आते हैं, वो बाद में बताऊंगा। ये डिले करते जाते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती तो शादी हो भी गई, शादी हो गई, लेकिन उसे अट्रैक्शन कैसे आएगा? जैसे कि हमने बात की भाई, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वो किससे प्रभावित होता है? अपना सेम सेक्स, सेम सेम जेंडर से। अब यहाँ पे हो गया अपोजिट जेंडर के साथ में, तो उसको वो डिज़ायर ही नहीं आती है, उसे वो अट्रैक्शन ही नहीं आता वो फीमेल के पास में, तो फिर इतना प्रॉब्लम आता है कि बातें तलाक तक चले जाती है। जो लेस्बियन का है, एक लड़की बहुत स्मार्ट, तकरीबन 24-26 साल की थी, उसके माता पिता मेरे पास लेकर आए, टी शर्ट और जीन्स वगैरह पहन के आए थे, वेरी मॉडर्न गर्ल, उसको ज़बरदस्ती लेकर आए थे, मालूम नहीं क्या बात करके लेकर आए। बताया कि भाई ये लड़की शादी करने के लिए नहीं बोल रही है, हम लोग इसके पीछे पर हम तो इतने ओपन माइंडेड हैं कि अगर इसका कोई अगर बॉयफ्रेंड होगा तो भी हम उसको उसके साथ करने को तैयार है, लेकिन ये शादी करने के लिए नहीं बोलती डॉक्टर साहब। तो किसी ने रिफ़र किया है तो आए मेरे पास, मैंने उससे अकेले में बात की लड़की से बात करने के बाद में मुझे ये पता चला, लड़की ने बताया कि वो बचपन से वो माता पिता को देख रहे कि वो झगड़ा करते, उनका पटता नहीं, और जो पिताजी है वो बहुत गुस्से वाले हैं, वो बात बात पर माँ को डांटते हैं, बात बात पर झगड़ा करते हैं, और शराब वगैरह की भी आदत थी उनके पिताजी को, एंड ही इज़ अ बिग बड़े बिजनेसमैन है वो। तो वो ये देखते उसके दिमाग में ये बैठा कि जो मर्द होते हैं सब, ये मर्द इसी तरह से होते हैं, अगर उसकी शादी अगर किसी मर्द से हो गई तो मुझे भी वही प्रॉब्लम आएंगे, वही झेलना पड़ेगा। मैं थोड़ा और डिटेल में गया, मैंने उसकी काउंसलिंग की कि ये ज़रूरी नहीं है कि भाई सबके सब ऐसे हों, और बहुत सारी बातें बताई, लेकिन मुझे ऐसा लगा फिर वो कुछ छुपा रही है। फिर मैं उसे और अंदर डीप घुसता चला गया कन्वर्सेशन में, तो फिर उसने ये एक्सेप्ट किया कि सर आई एम लेस्बियन, और वो बोल के बहुत इमोशनल हो गई। फिर मैंने उससे कहा कि आप इससे बाहर आना चाहते हैं क्या? तो वो बोले कि मैं बाहर आना चाहती हूँ। तो जब मैंने माता पिता को बुलाया भाई कि इतने इतने सेशन लगेंगे, वही इसमें काउंसलिंग रहती है, न्यूरोलॉजी साइकोलॉजी का प्रयोग करना पड़ता है, हिप्नोटिक वर्ड्स उसके दिमाग में डालना पड़ता है, और फिर उसको सेल्फ हिप्नोसिस देना पड़ता है, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है। फिर जो मैं बताया ना, कमिंग आउट अगर हो गया कि भाई हाँ, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, तो फिर वो तो लोग है ना इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही इसमें, मतलब दे आर मूविंग टूवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम लोग को देखने में आ रहा है कि पहले इतना नहीं दिखता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ही देखने में आ रहा है, तो इसकी वजह क्या है?
देखिए फिरोज जी, ये जो होमोसेक्सुअलिटी है ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आज कॉमन इसलिए हो गई कि आज इजीली अवेलेबल है, नेट वगैरह सब है, इसलिए आज ये बहुत इजीली हो गया आज। और आज एक लोग बोल्ड भी हो गए और लोग ओपन अप हो रहे हैं कि लोग, पहली बात तो क्या है, इसमें एक्सेप्ट करना, खुद को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैं गे हूँ या मैं लेस्बियन हूँ, ये एक्सेप्ट किया, सोसाइटी ने एक्सेप्ट की। आज इतना बोल्डनेस आ गया कि लोग मानने लगे कि लोग मानने। डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि आप हमारी ऑडियंस को एक ऐसा कुछ एक अच्छा सा मैसेज दीजिए। मैं हमारी जनता को, हमारे ऑडियंस को बस यही एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो होमोसेक्सुअल जो लोग हैं, इनसे हेट मत करिए, इनसे हेट मत करिए, बल्कि इनकी मदद करिए। आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में, इधर तक कि मैं पेरेंट्स को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपको ज़रा भी शक होता है कि भाई बच्चा गे है या मेरी बेटी लेस्बियन है या बायसेक्सुअल है, तो उनसे हेट मत करिए, उनकी आप मदद करिए। रियली ये एक बहुत अच्छा एक कदम होगा कि भाई आप उनकी मदद करिए, मेरा तो यही मैसेज रहेगा। जी जी, बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, हमसे भी बहुत अच्छा, हमें भी बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आए, और बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा था ये, और इसके ऊपर जानकारी देना बहुत ज़रूरी था, और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को बताया, और हमारे भी बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर जो थे वो क्लियर हो गए। तो मैं भी ऑडियंस से यही कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों की मदद करें इन चीज़ों से बाहर आने के लिए, और इनको इग्नोर ना करते हुए इनकी हेल्प करें। तो मिलते हैं फिर एक नए और शो में, एक और नए गेस्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।